हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मेरे कजिन छोटे भाई के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर पूजा हो रखे है। आप लोग को शायद पता ही होंगे कि मेरे छोटे भाई को एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उनके घर में पूजा चल रहा है। तो खाना खाने के लिए बुलाया मेरे को। छोटे भाई को दिल्ली जस्ट परसों लेके गया, बहुत सीरियस सिचुएशन में है, अभी भी एकदम होश में आया नहीं। और यहाँ का ब्रिज भी कंप्लीटेड, और मैं आजकल फील्ड में 11 बजे दौड़ता हूँ हर रोज़। तो टाइम चेंज हो गया, पहले 4 बजे ज़्यादा था। क्या है कि आजकल विंटर सीजन भी आने लग गया ना, इसलिए जल्दी से रात हो जाता है, तो इसलिए टाइम चेंज करने पड़े। तो फाइनली मैं पहुँच ही गया मेरे छोटे भाई का घर। हाँ बंडू, बंडू। तो यहाँ पर गाइस पूजा चल रहा है, बहुत सारा मेहमान को बुला के। तो यहाँ पर गाइस खाना बन रहा है मेहमान लोग के लिए। तो आज भोजन के लिए सारे वेज खिलाएगा मेहमान लोग को। और यहाँ पर बन रही है दाल, तो ये इसका चटनी बन रहा है। और मेहमान लोग के लिए चाय और मिठाई भी तैयारी कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये रहा पूजा गाइस, जल्दी से मेरे छोटे भाई को ठीक हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि पैर को पूजा किया जाता है। और गाइस यहाँ पर है धोगी, अरे साइड दो थोड़ा। तो गाइस अभी मैं भूटान जाऊँगा तेल लेने के लिए। क्या करें गाइस, हर बार तेल ख़त्म हो जाते रहता है, यहाँ पर भी बहुत महंगा है, असम में खरीद नहीं सकते। और तेल दाम भी बढ़ गए, आसाम में 98 समझ लो 100 रुपया ही है। तो ये है यहाँ का गांव के रास्ते, छोटा सा कॉर्नर में कॉर्नरिंग दे के आते हुए तो आज शॉर्टकट मारेंगे आगे। और एक रास्ता है, इसी से भूटान जा सकते हैं। हर तरफ खेत ही खेत, तो अभी खेत काटने का सीजन आ गया। आरवन 5 वाले से पहाड़ का व्यू, क्या सीनरी है। जय भोले बाबा, आगे है मंदिर गाइस। यहाँ पे मैं हमेशा जय भोले बाबा खोलते रहता हूँ। और अभी मैं पहुँच गया हमारा हिस्सा, यहाँ पर बहुत सारा स्पीड ब्रेकर बना दिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे पहले। और पहले आगे में ट्राम भी दिया करते थे, अभी ट्राम हटा दिए। और गाइस भूटान, वाह, कुछ काम तो नहीं है भूटान में। आप लोग को पता ही होंगे कि भूटान में क्यों जाते रहता हूँ, सिर्फ तेल लेने के लिए। हर तरफ खेत ही खेत, गाइस खेत काट के लेके जा रहा है घर में, हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया। और अभी मैं पहुँच गया दाउथरा सोख, आप लोग देख ही लिए होंगे मेरे पिछले वीडियोस में, वो यही है दाउथरा सोख। यहाँ पर भूटानीज लोग आते रहता है हर बाजार में शॉपिंग करने के लिए, और बहुत सारा सामान लेके जाने के लिए भूटान तक। और एक न्यूज अपडेट, भूटान में जो वो पैकेट वाला चिप्स है ना, इंडिया में जो मिलता है 10 रुपया 5 रुपया वाला, वो भूटान में ये 10 रुपया का 15 रुपया है चिप्स, और 5 रुपये का 10 रुपया है वैसा, इंडिया से लेके जाता है और वहाँ पर महंगे में बेच देता है। और गाइस अभी मैं पहुँच गया SSB चेक पोस्ट, पता नहीं लोग रोकेंगे कि नहीं मेरे को, शायद जाने देंगे लगता है। जाओ सर, और फाइनली मेरे को जाने दिए, थैंक यू SSB। बहुत तगड़ा चेक इन करने के लिए। और पहले मैं जो दुकान से तेल लेके आए थे वो यहाँ पर मेरे बाइक में फिर से डाल दिए आज, और इसी तेल से मैं अभी भूटान जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि तेल को लेके आता हूँ भूटान से, और पाइप से निकाल के ड्रम में रख देता हूँ बाद में चलाने के लिए। और अभी सारे खत्ता गायब, नेशनल हाईवे वाले लोग ने हटा दिए सब, सही है।
भूटान के पहाड़। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगे वीडियोस बनाने के लिए। एकदम खाली खुल्लम खुला रोड सही है और हर तरफ जंगली जंगल, अनास नेशनल जंगल है ये। यहाँ पर हर तरह की जानवर है, टाइगर भी है, लेकिन एनजीओ लोग की वजह से निकाल नहीं पाते भाई। तो एनजीओ लोग नहीं होने से यहाँ पर शेर हाथी निकलना ही है। भूटान यहाँ से दूर नहीं है और शेर 100 मीटर होंगे। तो और यहाँ देखिए गाइस, अभी हम पहुँच गए इंडो भूटान गेट। यहाँ से और आगे है भूटान के मेन गेट। तो ये देखिए गाइस, भूटान के मेन गेट। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में, निकालते हैं यहाँ पर कैमरा को। यार टूट गया सिग्नल लाइट फिर से। ये 300 रुपये का सिग्नल लाइट था, फिर से टूट गया, इसलिए कमज़ोर है बहुत। तो गाइस मैं भूटान आ गया हूँ सीधा पेट्रोल पंप में, और यहाँ पर तेल नहीं है गाइस। आगे जाने को बोला तो आगे जाते हैं, वहाँ पर 8,500 लोग रुके हुए हैं पता नहीं क्यों। और आगे एक पेट्रोल पंप है और इससे आगे नहीं है, और सिर्फ 2 पेट्रोल पंप है नंगलम टाउन में, एक यहाँ पर और वहाँ आगे। वहाँ नहीं मिलने से तो नहीं है। और मेरे को भूटान पुलिस वाले लोग ने बोला कि भूटान निकलने का डेडलाइन 10:30 तक है, 10:30 के बाद निकलेंगे तो सीधा फाइन चालान का जाएंगे भूटान का। और आगे में भी पेट्रोल पंप नहीं होने से मेरा तेल ख़त्म, ऐसे ही जो मैं घर से डाल के लेके आए थे तो ऐसे ही जल जाएंगे। और गाइस मैं फ़िलहाल पहाड़ में हूँ, इसीलिए मेरे बाइक को तकलीफ़ हो रहा है चढ़ने में। शायद से एडवेंचर बाइक ही लेने पड़ेंगे फ्यूचर में। और ये यहाँ का सिम नेटवर्क टावर, और वो पता नहीं क्या बन रहा है। दो गेट, ये तो भूटान गेट है, इन लोग के गेट वैसा तक का होता है। और आगे में जो दिखा आपको वो वाला गेट सेम टू सेम एकदम, आगे का जो पेट्रोल पंप है ना वो सरकारी वाला पेट्रोल पंप है, इसमें सिर्फ भूटानीज कस्टमर को तेल मिलता है, इंडिया वाले को नहीं। ओ वाओ गाइस, ये क्या व्यू है, वाओ। चलो आगे रुक के दिखाते हैं आप लोग को व्यू। फाइनली बहुत दिनों के बाद भूटान की आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं। पहले सिर्फ पेट्रोल पंप में ही रुकते थे, आज भी पेट्रोल पंप में ही रुकेंगे, लेकिन आगे वाला में जो पेट्रोल पंप है उसका सामने है नंगलम टाउन, भूटान के छोटा मोटा टाउन, तो वो भी देखने मिलेंगे आप लोग को। और यहाँ पर दारू बहुत सस्ता है, मैं तो आजकल दारू पीता नहीं, छोड़ दिया। और जो वो आगे बाइक चला के जो आ रहा है वो इंडिया के आदमी है। ठंडा लग रही है गाइस, यहाँ का जो हवा अलग ही है। आगे में भी तेल नहीं मिलने से गया, ऐसे ही लॉस हो जाएंगे। सुबह में आना चाहिए था मेरे को, लेकिन क्या करें टाइम ही नहीं मिला। 11 बजे मैं दौड़ने जाता हूँ, 12 1 2 3 बजे तक तो फील्ड में ही वक्त बिताता हूँ। और भीतर में सिर्फ एक बचा है फ्यूल, पता है आगे में तेल नहीं देंगे, वैसा लग ही रहा है, देखेंगे। फिर भी मैं एकदम ऊपर आ गया, तो वहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू। चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू, क्या देखेगा कि नहीं ना अदा। ओ वो आगे पेट्रोल पंप में तेल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ ओके थैंक यू। तो ये देखिएगा इस भूटान के व्यू। शायद मेरे पास ड्रोन होते आपको दिखा पाते, लेकिन क्या करें मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो इसी का ही मजा लो अभी। वाह क्या पहाड़ है, और ऊपर में टावर, ओ वहा। तो बिना देरी के जाते हैं अब। मैं भैया जी से पूछे थे कि तेल मिलेगा कि नहीं आगे, तो ये बोल रहा है कि दे रहा है तेल। तो अभी मैं गेट से करीबन 3 किलोमीटर से आ चुका हूँ, और ये यहाँ पर लर्निंग चल रहा है। तो गाइस अब मैं फाइनली पहुँच ही गए नंगलम टाउन। वाओ क्या बिल्डिंग है,
डिजाइन देखिए गाइस क्या लग रही है। और उस तरफ है भूटान आर्मी कैंप और वहाँ है सूखे नदी। तो अब यहाँ से नांगलम स्टार्ट, क्या धुआं निकल रहे है, कुछ फैक्ट्री वगैरह तो नहीं, फैक्ट्री होंगे। और वो आगे में जो दिख रहा है वो ऑरेंज कलर वाले कपड़े, वो है भूटान पुलिस पेट्रोल पंप की तरह। ओ यहाँ पर कबूतर मर गए। और ये भूटानी फौज ट्रक और वो सब सारे वाइन शॉप से। अभी गैस मिल गए पेट्रोल पंप, पता नहीं तेल दे रहे कि नहीं। बहुत दिनों के बाद इस पेट्रोल पंप में आया हूँ, पहले आते थे। और पिछली वीडियो में जो भी दिख रहा है आपको पेट्रोल पंप, वो है सीधा गेट बिल्डर के बाद फर्स्ट पेट्रोल पंप। और गैस यहाँ पर सारे आसाम के कार सारे इधर तेल ही लेके जाने आते हैं, क्योंकि आपको लोग को तो पता ही है इंडिया में तेल का दाम बहुत महंगा है। और यहाँ पर पता नहीं, मीटर में देखना पड़ेगा। भूटानीज कस्टमर के लिए तो कुछ दिक्कत नहीं, सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए दिक्कत है, तेल नहीं देते कभी कभार। 69 रुपीस अभी के रेट। कलकत्ता नहीं, बेंगलोर, हाँ कर्नाटका, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। हाँ हाँ, कभी कभार यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। 252 हो गया टाइम और डेडलाइन है 10:30, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम है। ये देखिएगा इस गाड़ी को हिला के टेल को एकदम जुगाड़ कर रहे हैं फुल करने के लिए। सही है, फुल करो। हाँ सिर्फ 9.5 चला, बड़ा नहीं है इसे, बड़ा वाला ले लेना है। हाँ ये सिर्फ टेस्ट चलाने के लिए स्पीड में ये बाइक, इसलिए टैंकी छोटा कर दिया। 500 कर देगा ना? हाँ 500 जाएगा, 500 500 में फुल हो जाएगा आराम से। हाँ 500 का कर दो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 490 ठीक है। तो गाइस फाइनली तेल डल चुका है एकदम फुल, 490 रुपये में ही फुल हुए टैंकी। अभी रेट चल रहा है 69 रुपीस, एकदम कम दाम में। वहाँ पर भी देखिए सही लड़कियाँ, और वहाँ है उन लोग के राजा का पिक्चर, सभी दुकान में रहता है। इन लोग का नियम है कि इन लोग रख नहीं पड़ते राजा के पिक्चर, नहीं तो जेल में होंगे। सभी दुकान पर देखा मैंने, जैसे कि कोरिया में, लेकिन कोरिया का तो मत ही बोलो गाइस, तगड़ा सा रूल है वहाँ पर। इन लोग भी हर घर में किम जोंग उन के पिक्चर रखने पड़ते हैं। वहाँ है मोबाइल स्टोर, नदी। यहाँ पर क्या करेगा इस गाड़ी भी रोक नहीं सकते, पुलिस वाले लोग चालान काटेंगे मेरे को। यहाँ से ही देख लो, क्या लड़कियाँ। ये देखिए गाइस रॉयल भूटान आर्मी, आज थोड़ा जल्दी में होगा इस, क्योंकि मेरे छोटे भाई को एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए घर वाले लोग पूजा कर रहे हैं इनके नाम पे, ताकि वो अच्छा से ठीक हो जाए और अच्छे सलामत घर लौटे दिल्ली से। फिलहाल तो वो दिल्ली में है, यहाँ मैं मेरे पास को रिटर्न कर लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं आगे घर तक। चलो तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरा GoPro का बैटरी एकदम डेड हो चुका है और मैं बिल्कुल भूटान से बाहर आते ही मेरा बैटरी डेड। तो अभी गाइस मैं मेरे भाई के घर आ चुका हूँ, यहाँ पर खाना खाने वाला हूँ। वहाँ पर भी खाना दे रहा है ये सबको, खाना खा चुका हूँ, अभी मैं खाने वाला हूँ दोपहरी। ये देखिए डॉगी मेरे सामने आ गया मसाज लेने के लिए, मसाज चाहिए उसको, मसाज। अरे नया कि नहीं बे तो हम लोग को जो खाना बांट रहे थे अभी इन लोग खा रही है वहाँ देखिए। तो आज पूजा थे मेरे छोटे भाई के एक्सीडेंट के वजह से,